नवरात्रा चल रहा है तो नवरात्रे में बनाते हैं फ्राई आलू। फ्राई आलू बनाने के लिए हमें सबसे पहले दो लोगों के लिए बना रहे हैं, तो सबसे पहले आलू को अच्छी तरह से धो लिए हैं और इसे मैं कुकर में डाल के दो सीटी लगाती हूँ। दो सीटी लगने देते हैं। दो सीटी लग चुकी है तो मैं इसे गैस को बंद कर देती हूँ, उतारती हूँ। चलिए ठंडी होने देते हैं। तो सीटी निकल चुका है तो चलिए निकाल लेते हैं। ये पक चुका है बिल्कुल, क्योंकि ये देखिए ये आलू में आराम से चला गया है तो इससे पक चुका है। ये इसे ठंडा हो जाने के बाद मैं छील लेती हूँ और काट लेती हूँ। फ्राई करने के लिए कुछ चीजें चाहिए। एक चम्मच मक्खन, थोड़ी सी एक छोटी सी हरी मिर्च, थोड़ी सी अदरक को घिस दें और जीरा और नमक वर्त वाले और थोड़ी सी धनिया। चलिए इसे मैं छील लेती हूँ। तो सभी को छील लिए हैं, अब इसे काट देते हैं। पीसेज में काट लें तो ये कट चुका है। तो चलिए गैस जलाती हूँ। तो इसमें मक्खन डालते हैं, तो इसमें जीरे डाल देते हैं, जीरा चटकने तक रुकेंगे। जीरा में से चटकने लगे हैं, आवाज आ रही है। तो अब इसमें हरी मिर्च डाल दें, इसमें आलू को डाल दें, आलू फ्राई कर लेते हैं। अदरक डाल दें, खाने में स्वाद लगे। और वर्त वाले नमक, तो आलू फ्राई हो चुका है। तो चलिए मैं गैस बंद करती हूँ, इसे सर्व कर लेती हूँ। तो इसे थोड़ा और स्वादिष्ट बनाते हैं, थोड़ा सा हरी धनिया डाल देते हैं।
और इस पे नींबू निचोड़ दें, थोड़ा और टेस्ट बढ़ जाएगा। ये हमारा फ्राई आलू तैयार है, तो आप भी नवरात्रे में इस तरह से फ्राई आलू बनाएं और खाएं। हैप्पी नवरात्रा। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।